हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया? ओके, मैं भी बढ़िया. तो अभी हमने बहुत सारी ड्राइंग करी है यूट्यूब पे, है ना, और आपने सीखा भी है. बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है मेरे को. थैंक यू सो मच. तो मेरे चैनल पे अब मैंने सोचा है कि कुछ डिफरेंट करते हैं, लाइक विदाउट कलर हम कलरफुल पेंटिंग बनाएंगे. कैसे? मैंने आज सोचा है कुछ नया ट्रिक अपनाएं. लाइक मेरी एक कॉफ़ी का पैकेट, ये ख़राब हो गया. अब इसको हम पी तो सकते नहीं कॉफ़ी बना के, सी राइट? तो मैंने आज सोचा है कि अब मैं इसको कलर में यूज़ कर लूँ, कॉफ़ी को कलर में. कैसा लगेगा कॉफ़ी में? ठीक है, तो इसका इतना इतना सा भी कलर ना बहुत अच्छा होता है. आज हम मोनोक्रोम पेंटिंग बनाएंगे. मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर को लाइट और डार्क शेड देकर एक हम खूबसूरत सी पेंटिंग बनाते हैं. जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होती शेडिंग वाली, वैसे हम कोई भी कलर, कोई भी एक कलर को लेकर व्हाइट और ब्लैक मिला के भी कर सकते हैं. और उसको वाटर कलर अगर करना है तो लाइट और डार्क, पानी को कम और ज़्यादा करके हम मोनोक्रोम पेंटिंग बना सकते हैं. ओके, तो आज हम इसको यूज़ करेंगे, सी नेस्कैफे. ठीक है, तो सबके पास तो होगी, नहीं होगी तो 2 रुपए का पैकेट, 1 रुपए का पैकेट या 4-5 रुपए जितने का भी पैकेट आता है वो आप ले लेना, और आपकी पेंटिंग कंप्लीट. तो हम देखते हैं कि इससे हम कैसे मोनोक्रोम लैंडस्केप बनाते हैं. ओके बाय. तो हम आज क्या बनाने वाले हैं? टेंटन कॉफी. कॉफी नहीं, कॉफी से पेंटिंग. ओके, क्योंकि हमारी कॉफ़ी ख़राब हो गई. अब इसको तो निकिता मैम पियेंगी नहीं ना, और वैसे भी निकिता मैम कॉफ़ी नहीं पीती है. चलो ठीक है, तो अब हम पेंटिंग बनाने के लिए पहले हम ड्रॉ कर लें एक रफ. ठीक है, तो ये पेज है आपका, पेज के हाफ, पेज का हाफ लिया, उसका भी हाफ किया, उसका हाफ हाफ नहीं करेंगे, उसके थोड़ा सा नीचे. ठीक है, ओके. अब ये हाफ हो गया यहाँ से, उसके थोड़े से बाजू में. ठीक है, यहाँ एक हम पॉइंट बनाते हैं, इसका हाफ ही है ना, यहाँ से ये और यहाँ से. ठीक है, बहुत लाइट किया है मैंने. ओके, अब बिल्कुल 90 डिग्री की लाइंस आप करेंगे, 90 डिग्री की लाइंस. 90 डिग्री क्या होता है पता है ना? बिल्कुल सीधी लाइंस. 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री. ये ऐसी लाइंस आपने कर दी, मैंने कर दी हूँ बट आपको दिख नहीं रही है क्योंकि लाइट करना ज़रूरी है. ठीक है ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री की लाइंस होनी चाहिए. ठीक है, बस आपको ड्रॉ करने में इतना ही करना है. ओके गुड, अब हम कॉफ़ी का कमाल देखते हैं क्या होता है. थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेंगे, थोड़ा सा बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा. ओके, अरे बारिश होने लगी, कोई बात नहीं. देखो कॉफ़ी, विश्वास नहीं होगा नहीं तो, ये कॉफ़ी लिया हमने. हम प्लेटर भी निकाल लेते हैं ना, ये आई कॉफी थोड़ी सी. ठीक है, ये कॉफी है. तो यहाँ हम ट्री बनाने वाले हैं. ठीक है, ये ट्री 1 ट्री 2 ट्री सब ऊपर तक ले जाएंगे. 3 5. ओके, 4 वाले को आप पानी से थोड़ा सा और लाइट कर देना. ओके, ये हुआ ऐसे ही, इस तरफ भी जो सबसे आगे है, सबसे पहले है वहाँ पर, वो डार्क रहेगा. उसके बाद हम थोड़ा सा पानी मिलाते जाएंगे कॉफ़ी में. ओके, लाइट करते जाएंगे. ये लाइट किया, ये लाइट किया,
ये लाइट किया, ओके। ऐसे ही हम सामने की तरफ भी ये किया, ये किया, ठीक है। इस ट्री के साथ भी यहाँ से ये किया, यहाँ से ये किया, ये ओके। लाइट करते जाएंगे, पीछे भी और लाइट हो जाएगा। पूरा पूरा नहीं करेंगे, बीच में व्हाइट स्पेस भी छोड़ा है मैंने ना। ओके, अब सबसे पहले इस पेड़ पे हम काम करेंगे, इस ट्री पे हम काम करेंगे। बिल्कुल लाइट 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 करना है हमें। देखो फेन भी आ रहा है ना कॉफ़ी में, क्योंकि फ़ेन आता है ना, उसमें भी बबल्स बबल्स आ रहे हैं। कॉफ़ी को बुद्धू बना दिया हमने, कॉफ़ी को हमने बनाने के लिए निकाला और उसकी पेंटिंग बना दी बेचारी कॉफ़ी। दिख रहा है आप लोग को? क्या मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ? सट 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 कि रियल टाइम रहने दो, जैसा बोलो। जल्दी जल्दी देखना है आप लोग को। ओके, मैं जल्दी जल्दी वाला करा देती हूँ, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने आपको दिखाया है ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, एक एक लेयर को सुखाना पड़ता है पहले, है ना। एक लेयर जाती तो उसको सुखा दो, फिर दूसरी लेयर को सुखा दो। अभी देखो मैं अभी और भी डाल रही हूँ कि इसको और डार्क करना है अभी। लेयर पे लेयर अगर आप डालते जाओगे तो कॉफ़ी और डार्क दिखने लगेगी हमें। और हाँ, अगर पाउडर वाली कॉफ़ी, सूखी कॉफ़ी है तो आप लोग ऐसे ही ऑलरेडी डार्क कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पाउडर मिलाओगे तो कॉफ़ी का अमाउंट उतने अच्छे से। ये बिल्कुल सिंपल लैंडस्केप है, क्योंकि कॉफ़ी का यूज़ कैसे करना है हमें लैंडस्केप, मैंने वो आपको बताया। आप इसके बाद कलरिंग भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ बनाकर, कोई भी फिगर बनाकर, किसी भी चीज़ में डार्क लाइट शेड करके आप इस तरह के तरीके से कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो।
होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है ना। मैंने सबसे पहले आउटलाइन की सिर्फ ये तीन वाली कि हम पेड़ बना सकें। ये हमने देखो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बनाने में बहुत टफ हो, बस आपको पेड़ बनाना है, शेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और इनको जितना आप लेयर पे लेयर चढ़ाते जाओगे कॉफ़ी की लेयर, उतना वो डार्क होती जाएगा, ब्लैक टोन तक आ जाएगा वो, बिल्कुल डार्क ब्राउन। और यही करना है आपको, सब आगे जाके नहीं करना है क्योंकि वहाँ पर तो लाइट ही होगा, यहाँ पर ही डार्क करने इतना करना है। ठीक है, बिल्कुल पतले वाले ब्रश पे आप क्या करो, अगर करना चाहो तो आप बिल्कुल पतले वाले ब्रश लेकर पतली पतली लाइन बना सकते हो और घना दिखाने के लिए। तो ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार आप भी ट्राई कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, है ना। सिर्फ शेड्स दिख रहे हैं आपको, एक जंगल का सीन दिख गया है, वे दिख रही है, दोनों तरफ पेड़ हैं, है ना। दूर का सीन थोड़ा लाइट रहता है, पास का डार्क रहता है। ऐसे करके हमने कॉफ़ी से ही बनाया है, ऐसी कितनी सारी कॉफ़ी बची है, अभी मैं और पेंटिंग्स बनाऊँगी। तो आप लोग भी शुरू हो जाओ, बिल्कुल जाइए और कॉफ़ी लीजिए, और मम्मी पापा को बोलना कॉफ़ी से कुछ बना के बताते हैं। मम्मी पापा भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि हमें तो कलर ही नहीं लगे इसमें। ओके, ऑल द बेस्ट।